स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर जिसमें हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, यानी कि ऐसे मटेरियल्स की प्रिपरेशन जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कुछ कंडीशंस में पास होने देते हैं और कुछ कंडीशंस में पास नहीं होने देते. ठीक है, अब हम फर्दर इनको डिस्कस करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की प्रिपरेशन कैसे होती है. सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक टाइप हमारे पास होती है इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और दूसरी टाइप हमारे पास होती है, सॉरी, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास इसकी दूसरी टाइप होती है. अब इंट्रिंसिक में क्या होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं. ठीक है, प्योर से हमें पता है कि प्योर कोई भी चीज़ हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो ही चीज़ उसके अंदर ज़्यादा है, उसके अंदर हम लोगों ने कोई मिलावट नहीं की हुई या कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें नहीं डाली हुई. ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर से मुराद ये है कि जो एलिमेंट, ठीक है, नेचुरली हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं तो उसके अंदर हम कोई मिलावट ना करें. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग कोई मिसाल लें तो सबसे बड़ी जो एग्जांपल्स हम लोग के पास हैं वो है सिलिकॉन की. ठीक है, सिलिकॉन को मैं यहाँ पे उसकी जो एब्रिविएशन है SI, ठीक है, SI सिंबल से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मैंने लिखा है. सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स होती हैं सेमीकंडक्टर्स की. ठीक है, तो इनको अगर हम लोग लें और इन कहें कि हमारे पास इंट्रिंसिक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, पूरा हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, अगर हम लोग जर्मेनियम का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसके अंदर सारे एटम्स हमारे पास जर्मेनियम के होंगे, कोई बीच में मिलावट मौजूद नहीं होगी. ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखें, आउटर मोस्ट शेल से मुराद ये कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके, ठीक है, अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे दूसरे एटम्स के साथ, उसे हम कहते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है उनके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. ठीक है, अब आपको ये भी बताती चलूँ कि केमिस्ट्री में एक हमारे पास रूल होता है, ऑक्टेट रूल. ठीक है, ऑक्टेट रूल के मुताबिक हमें ये बताया जाता है कि कोई भी एलिमेंट जिसमें आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 की तादाद से कम है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से कम है, तो वो जो एटम है वो किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करके जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में उनको कंप्लीट करेगा, 8 का हिस्सा बनाएगा, तो तब वो स्टेबल होगा. इस रूल के मुताबिक जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये दोनों मिलके, यानी कि जर्मेनियम जो है वो जर्मेनियम के साथ मिलके अपने जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पूरा करेगा. ठीक है, और वो यूँ अपना जो मॉलिक्यूल है उसको स्टेबल बनाएगा. और जो इंट्रिंसिक हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें से करंट कैसे पास किया जाता है कि हम लोग टेम्परेचर को वेरी करते हैं, और जो हमारे पास एटम्स होते हैं इस टेम्परेचर की वजह से उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइट होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. अब इससे बेहतर ये हो सकता है कि देखें यहाँ पे तो हम लोग को उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें बॉन्ड्स तोड़ने पड़ रहे हैं. इससे बेहतर एक और ये चीज़ हो सकती है कि जहाँ पे हमें इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बॉन्ड बनाना पड़ रहा है इस जर्मेनियम और सिलिकॉन में, उसके मुकाबले में अगर हम किसी और मिलावट को इसमें मिला के 4 के साथ 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 5 का, ठीक है, कम्बिनेशन करें, बॉन्ड बनाएं, तो यूं होगा कि हमारे पास जो है कैपेसिटी बच जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वैसे ही फ्री हो जाएगा. ठीक, तो हमारे पास वहां से जब बहुतात हो जाएगी, ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास जो करंट है वो ज्यादा इजीली फ्लो करेगा. तो उस चीज को हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है. एक्स से मुराद के बाहर का कोई भी हमारे पास उसके अंदर मिलावट हुई हुई है. ठीक है, हम लोग अब इस सेमीकंडक्टर के अंदर जब कोई इम्प्योरिटी ऐड करें, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा हम लोग एलिमेंट जो है जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग के लिए लेके आए जो कि कोई बाहर का एलिमेंट हो जो कि थर्ड और फिफ्थ ग्रुप का हो पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, जिसके अंदर आउटर जो शेल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर या तो 3 हो या फिर 5, और उसके थ्रू हम लोग इसमें इम्प्योरिटी ऐड करें सेमीकंडक्टर में, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो सेमीकंडक्टर है ये हमारे पास डोप्ड सेमीकंडक्टर है. ठीक है,
ये जो मेथड है, ये जो हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कि ये डोपिंग है, ठीक है। और फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर के अंदर दो किस्म की टाइप्स आ जाती हैं, जिसको एक को कहा जाता है कि एक डोनर है, ठीक है, और एक एक्सेप्टर, ठीक है। एक एक्सेप्टर जो है हमारे पास वो सेमीकंडक्टर है। अब इन दोनों में हम फर्क देखते हैं कि डोनर और एक्सेप्टर में क्या फर्क होता है। अब देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डोनर इम्प्योरिटी क्या होती है, ठीक है। जब डोनर इम्प्योरिटी के थ्रू हम किसी सेमी कंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करें, तो उससे क्या मुराद होता है, ठीक है। जैसे डोनर से आपको खुद अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे हम लोग कहीं पे डोनेशन करते हैं, कहीं पे पैसे देते हैं, ठीक है, तो हम लोग कोई चीज़ दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जब दी जाए, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डोनेट किया जा रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ हम लोग दे रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जर्मेनियम के एग्जाम्पल लें, ठीक है, जर्मेनियम के एग्जाम्पल लें, जिसके अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसकी हम लोग बॉन्डिंग करें किसी भी फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट से, यानी कि ऐसे एलिमेंट से जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, और उसके साथ जब बॉन्डिंग होगी, फॉर एग्जांपल 4 की 5 के साथ, तो ऑब्वियस बात है 4 की 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग होगी तो एक बच जाएगा, ठीक है। और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, करते करते जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते जाएंगे बॉन्डिंग के बाद, तो वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इसके लिए जो मेन एग्जाम्पल्स हम लोग के पास आती हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, उनमें जैसे कि एक आता है आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक जिसका एब्रिविएशन हम लोग के पास सिंबल है AS, ठीक है। उसके बाद आता है एंटीमनी, एंटीमनी जिसकी एब्रिविएशन हम लोग के पास है SB, और उसके बाद हम लोग के पास एक और एलिमेंट है फॉस्फोरस, ठीक है, जो है P से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल, यानी कि वो टेबल जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, उसके फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास शामिल हैं, यानी कि इन सब में आउटर मोस्ट शेल्स में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस के पास 5 एटम्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या होता है, इसको मैं जर्मेनियम में अगर इंट्रोड्यूस करूं, ठीक है, ये जर्मेनियम के एटम हैं जिनके पास 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, जर्मेनियम इसके पास भी 4 हैं, अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं इसके पास भी आउटर मोस्ट में 4 हैं, इस तरह करते करते डाउनवर्ड्स भी मैंने इसको शो कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं बॉन्ड्स बनाना चाहूँ, तो देखें फॉस्फोरस का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जर्मेनियम के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जो राइट हैंड साइड वाला है वो राइट हैंड साइड वाले के साथ, डाउन वाला डाउन वाले के साथ, करते करते अब ऊपर वाले देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अब मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मेरे पास हेल्पफुल साबित होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। इस तरह से करते करते ये जर्मेनियम एक और फॉस्फोरस के साथ जब बनाएगा अपना बॉन्ड, तो उस फॉस्फोरस के पास भी एक एक्स्ट्रा जो है वो बच जाएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएगा, बाकी 4 जो हैं वो शेयर हो जाएंगे। यूं जो ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास हेल्प करेंगे करंट के फ्लो में, ठीक है, करंट के फ्लो में। अब चूंकि ये वाली जो इम्प्योरिटी मैंने ऐड की, इसकी वजह से मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेरे पास ज़्यादा हो गए क्वांटिटी में, ठीक है, तो इस किस्म के जो सेमीकंडक्टर है उसको कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और ये इंट्रिंसिक के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर इसलिए रहता है क्योंकि देखें इंट्रिंसिक में तो सारे के सारे बॉन्ड्स बने हुए थे, पूरे के पूरे थे जर्मेनियम के साथ, जबकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आराम से पास हो सकता है। आई होप स्टूडेंट्स के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि जो एक्सट्रिंसिक में हमारे पास डोनर इम्प्योरिटी है, उसके थ्रू सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है।